खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। उसमें कहा गया है कि आप 11 बजे तक जो आपसे कागज मांगा गया था वो आप पेश नहीं कर पाए, जबकि हमने 2 एफिडेविट दिया, सब कुछ दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जोर जबरदस्ती मतलब अनलीगल तरीके से निरस्त किया गया है, जो एक सरेआम तानाशाही है और सभी अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने वजह वही दिया कि आप नौकरी से बर्खास्त है तो आपको चुनाव आयोग से सर्टिफिकेट पेश करना पड़ेगा। जब हमने कहा कि हम आपको सर्टिफिकेट पेश कर देंगे, हमने मेल भेज दिया, फैक्स भेज दिया, वहाँ से आ भी है, समय लगता है और वहाँ से आ भी गया है, लेकिन उन्होंने अभी ऑब्जेक्शन लगाया कि आप 11 बजे तक पेश नहीं कर पाए। दूसरा ऑब्जेक्शन लगाया कि आपने जब फॉर्म भरा उसी टाइम पेश करना था, तो ये सब चीजें जानबूझ के साजिश रची गई है और ये सीधा सीधा मोदी जी नहीं चाहते कि एक जवान या किसान गरीब का बेटा उनके सामने चुनाव लड़े और उनको हार गए, ये सीधा उन्होंने इसलिए खारिज किया। बहादुर का क्या कदम होगा आगे? जैसे ही पार्टी निर्णय लेगी उसी दो रणनीति बनाएगी, उसी हिसाब से बता दिया। हाँ, अभी पार्टी का निर्णय अभी आड़े पड़ा जाएगा।